नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों आज शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखेंगे ऐप्स एंड पोर्टल्स रिलेटेड इस कंटेंट्स को। बता दें कि काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज किया जा रहा था कि सर ऐप्स और पोर्टल्स पे एक वीडियो बना दीजिए। दोस्तों बहुत ज़्यादा मटेरियल तो मेरे पास नहीं था, फिर भी मैंने 8-10 पोर्टल्स और ऐप्स को कलेक्ट किया है और आने वाले समय में इसमें ऐड ऑन करता जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और देख लेते हैं ऐप्स एंड पोर्टल्स पे आधारित इस सेशन में क्या क्या है ऐप्स एंड पोर्टल्स जो इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं झार नियोजन पोर्टल से। दोस्तों आपको बता दें झार नियोजन एक पोर्टल है जिसे झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया था और लॉन्च किया गया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, यानी इससे जो संबंधित जो विभाग है वह है श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, यानी लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसके लाभार्थी होने वाले हैं झारखंड के बेरोजगार युवक और युवतियाँ। इसका उद्देश्य है झारखंड राज्य के बेरोजगार युवक और युवतियाँ जो हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर प्रदान करना और उन्हें रोजगार प्रदान करना, यही झार नियोजन पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य था। आपको बता दें कि इस पोर्टल के माध्यम से बेरोजगार युवक अपने स्थानीय क्षेत्रों में ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम 40,000 रुपये तक उन्हें सैलरी मिल सकती है। पदों की नियुक्तियां की बात करें तो 75% स्थानीय लोगों को नियुक्तियां दी जाएगी, जिसमें जो बेरोजगार युवक और युवतियां हैं वे इसके अलावा जो एम्प्लॉयर हैं दोनों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसे शुरू किया गया है 2023 में ही, यानी झार नियोजन पोर्टल 2023 है यह। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों ये है ये jharniyojan.jharkhand.gov.in। तो ये है झारखंड पोर्टल से संबंधित इन्फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं दूसरा जो पोर्टल है वह है शक्ति ऐप। आपको बता दें यह शक्ति ऐप झारखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका नाम है शक्ति ऐप। बता दें इसका उद्देश्य है झारखंड के लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इस ऐप के माध्यम से कोई भी लड़कियां या महिला इस ऐप के माध्यम से तुरंत पुलिस को या रिलेटेड थाने को, कंसर्न थाने को सूचित किया जा सकता है। ऐप झारखंड पुलिस की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट jharkhandpolice.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। तो शक्ति ऐप लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है और झारखंड पुलिस द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तीसरा ऐप है दोस्तों झारखंड कैरियर पोर्टल ऐप। बता दें यह 10th और 12th के बच्चों के लिए है। मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों को कैरियर संबंधित कई सारी परेशानियां होती है, उन्हें टिप्स की आवश्यकता होती है और झारखंड कैरियर पोर्टल इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें विशेषज्ञों द्वारा काउंसिलिंग किया जाता है। मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के वे छात्र जो इस पोर्टल के माध्यम से विशेषज्ञों से सलाह लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि झारखंड कैरियर पोर्टल को JEPC यानी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने यूनिसेफ के साथ मिलकर विकसित किया है। दोस्तों JEPC एब्रीवेशन को जरूर ध्यान रखिएगा। एब्रीवेशन वाले सेक्शन में हम लोग और डिटेल में इन सभी एब्रीवेशन को जानेंगे। झारखंड से रिलेटेड जो भी एब्रीवेशन है उसे आप इसे ज़रूर नोट करते चलिएगा, जो भी एब्रीवेशन क्लासेस के दौरान आते रहते हैं। झारखंड कैरियर पोर्टल की बात करें तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों jhcarrierportal.com। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले ऐप के बारे में। और यह ऐप है दोस्तों झारखंड रेरा ऐप। आपको बता दें कि रेरा का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। समझ आ गया होगा दोस्तों, रियल इस्टेट यानी जो बिल्डर प्रमोटर हैं उनसे संबंधित है। इसके अलावा जो खरीदार हैं यानी होम बायर जो घर खरीदना चाहते हैं, इन दोनों के लिए इस ऐप को जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। बता दें कि झारखंड में रेरा एक
बिल्डर और प्रमोटर से संबंधी खरीदते समय घर खरीदारों यानी होम बायर्स के हितों को बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और राज्य सरकार द्वारा जारी यह एक अधिनियम भी है, यानी एक्ट के तहत इसे शुरू किया गया है। झारखंड रेरा ऐप को एक एक्ट के तहत शुरू किया गया है और इसमें जो एक्ट है उसके तहत दोनों को, चाहे वो बिल्डर हो या फिर होम बायर, दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाती है और कोशिश किया जाता है कि दोनों में किन्हीं को भी धोखा ना हो। आपको बता दें, जो भी कंज्यूमर हैं अपीलिएट ट्रिब्यूनल में अपील करके शीघ्र शिकायत कर सकते हैं या उससे संबंधित निवारण भी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक्ट डेवलपर्स के साथ साथ संभावित खरीदारों यानी पोटेंशियल बायर्स को भी धोखाधड़ी और विवाद से बचाने का काम करेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना भी इस एक्ट का एक उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक बिल्डर जो राज्य के क्षेत्र में या इसके अंदर संपत्ति बनाना चाहते हैं, यानी प्रॉपर्टी बिल्ड करना चाहते हैं, उसे इस अधिनियम के तहत अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो यह है दोस्तों झारखंड रेरा ऐप। इसके अलावा आइए देखते हैं अगले ऐप को, और यह दोस्तों ऐप है हमार अपन बजट। जैसा कि पता होगा दोस्तों, हमार अपन बजट 2022-23 के बजट के लिए आम लोगों से सुझाव मांगा गया था इसमें, ताकि बजट में शामिल किया जा सके। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हमार अपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल शुरू किया था 2022 में। राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार किया गया है यह मोबाइल एप्लीकेशन। लॉन्च किया गया था मोबाइल एप्लीकेशन को वित्त विभाग के द्वारा 2022 में, और 22-23 के बजट से यह संबंधित रहा था। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता को 2022-23 के बजट के लिए सुझाव मांगा गया था। अब 2023-24 की बात करें दोस्तों, तो 23-24 में भी झारखंड सरकार के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था बजट से संबंधित, और यह ऐप था हमीन कर बजट। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमीन कर बजट पोर्टल को शुरू किया था, और यह पोर्टल के साथ साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी था जिसे आप डाउनलोड कर सकते थे गूगल ऐप से। बता दें कि राज्य सरकार ने इस पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से झारखंड के आम नागरिकों से राज्य बजट 2023-24 से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव मांगा था, और 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित करने की भी बात कही गई थी। यानी हमीन कर बजट दोस्तों झारखंड के 2023-24 बजट से संबंधित रहा था। आइए नेक्स्ट ऐप को देख लेते हैं या पोर्टल को, झार जल मोबाइल ऐप। बता दें कि झार जल मोबाइल ऐप झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, और झारखंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने 2021 में झार जल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। झार जल मोबाइल ऐप प्रदेश में संचालित जलापूर्ति योजनाओं यानी वाटर सप्लाई स्कीम्स और जो भी चापानल हैं उससे संबंधित जानकारी देती है, यानी जानकारी उपलब्ध कराती है, और यहाँ सारी जानकारियाँ इससे संबंधित उपलब्ध होती है। ऐप को झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर तैयार किया था। इसमें राज्य भर के सभी चापानल का विवरण अपलोड किया जाएगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट ऐप को, और यह ऐप है दोस्तों झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप। यह कोरोना के दौरान 2019-20 के बाद शुरू किया गया था, यानी इसे लॉन्च किया गया था 2020 में। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रवासी मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री विशेष वित्तीय सहायता मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया था, और इसे शुभारंभ किया था 2020 में। आपको बता दें, इसमें अधिकतम 2,000 रुपये तक की सहायता भी दी जा रही थी। इस ऐप को ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे डाउनलोड किया जा सकता था। यह है दोस्तों आज का अंतिम ऐप। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और जुड़े रहिए आने वाले समय में और ऐप्स और पोर्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इसमें ऐड ऑन करता जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।